लास्ट वीडियो में ब्लैक बॉडी के डिस्कशन में हमने ये बात देखी थी कि हमारे पास जितनी भी रेडिएशंस होती हैं वो रेडिएशंस हमारे पास फोटॉन्स की फॉर्म में होती हैं, और ये जो फोटॉन्स हैं इन्हें हमने कहा था कि ये एनर्जी की डिस्क्रीट पैकेट्स होते हैं। आज हम फोटॉन्स के बारे में मज़ीद देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो कि बेसिकली फोटॉन्स ही होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी भी मैटर की सरफेस पे फॉल की जाएँ या उसके साथ जो है इंटरेक्ट करें, तो ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करके तीन तरह के फिनोमेना जो हैं वो प्रोड्यूस कर देती है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन फिनोमेनास के बारे में भी देखते हैं, लेकिन पहले हम ये देख लें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, ये बेसिकली हमारे पास हैं फोटॉन्स। अब अगर ये फोटॉन्स जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर हैं, ये अल्ट्रावायलेट जो है रेडिएशंस के हैं या विजिबल रीजन के अंदर लाए कर रहे हैं, तो इस तरह के जो फोटॉन्स होते हैं वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करके जो फिनोमेना प्रोड्यूस करते हैं उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इसे हम इस तरीके से बताते हैं कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, मतलब कि ऐसा इफेक्ट जो उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब आपके फोटॉन्स जो हैं वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के हों या विजिबल रीजन के अंदर लाए करते हों और वो किसी भी मैटर की सरफेस के साथ जाके हिट करें, इंटरेक्ट करें, उसके पर फॉल करें, तो जो फिनोमेना प्रोड्यूस होगा उसे हम लोग कहते हैं कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। दूसरा आ जाता है कि अगर ये फोटॉन्स जो हैं, ये हमारे पास पहली कैटेगरी आ गई। अब दूसरी में क्या है कि यही हमारे पास फोटॉन्स हैं जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर हैं, अगर ये फोटॉन्स जो हैं ये एक्स रेज के हों, तो एक्स रेज के फोटॉन्स जो हैं अगर किसी मैटर के सरफेस के साथ जाके इंटरेक्ट करेंगे, उसके पर फॉल करेंगे, तो जो फिनोमेना उस वक्त प्रोड्यूस होगा उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास कंपेटून्स इफेक्ट है। इन सब इफेक्ट के बारे में हम ऐसा ऐसा देखेंगे कि ये सब इफेक्ट किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब थर्ड कैटेगरी में क्या होते हैं, अब थर्ड कैटेगरी में भी हमारे पास यही वाले फोटॉन्स हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के हैं। अब अगर ये फोटॉन्स जो हैं गैमा रेज के अंदर हों, गैमा रेज के फोटॉन्स हों, तो उस वक्त क्या होता है जब ये मैटर के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो ये एक और फिनोमेना प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं कि ये पेयर प्रोडक्शन इफेक्ट है। तो इस तरीके से ये तीन तरह के हमारे पास इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं हमारे फोटॉन्स के ज़रिए जो कि हमारी किसी भी मैटर के ऊपर जाके फॉल करते हैं या मैटर के सरफेस के साथ जाके इंटरेक्शन करते हैं, तो तीन तरह के हमारे पास जो है इफेक्ट आ जाते हैं। आज उनमें से सबसे पहले हम देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हमारे पास क्या होना ज़रूरी है, हमारे पास एक मेटल होना ज़रूरी है। हम कह देते हैं कि हमारे पास कोई मेटल की एक सरफेस है और हम क्या करते हैं कि अब हमें रेडिएशंस भी चाहिए। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास रेडिएशंस आ रही हैं और ये जो रेडिएशंस हैं ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं या हमारे पास विजिबल रीजन के अंदर लाइक करने वाले फोटॉन्स हैं। अब क्या होता है कि ये हमारे पास मेटल है, हमें मालूम है कि जो हमारे पास मेटल होती है उस मेटल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन या बेसिकली आपके पास जो फोटॉन्स हैं इस सरफेस के ऊपर आते हैं, इस सरफेस के ऊपर फॉल करते हैं मैटर के सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकाल के बाहर ले जाते हैं, एमिट कर देते हैं उस सरफेस में से, जो है नॉक आउट करा देते हैं। तो वो फिनोमिना जिसमें आपके फोटॉन्स किसी मेटल की सरफेस के ऊपर पड़े और उस सरफेस के ऊपर पड़ने के साथ उस सरफेस के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को उसकी सरफेस से बाहर निकाल दें, नॉक आउट करा दें, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं कि ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम करते कैसे, किस तरह से और इसे हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। बेसिकली इसे हम लोग बहुत से सिक्योरिटी सिस्टम्स में यूज़ करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ करते हैं, फोटो सेल्स में यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी अलार्म्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टोर्स पे लगे होते हैं, किसी हॉस्पिटल में, किसी जगह पर, कहीं ऑफिसेस में भी लगे होते हैं ताकि कोई भी बंदा अंदर आ रहा है या अंदर से बाहर जा रहा है तो वो जो है फोटो इलेक्ट्रिक वहाँ पे जो डिटेक्टर लगे होते हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली ज़्यादातर हम इसे जो है सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं और फोटो सेल्स में यूज़ करते हैं। इन एप्लीकेशंस को भी अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लें कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल काम किस तरह से करता है। अब अगर हम लोगों ने इसका एक्सपेरिमेंट करना हो तो हम क्या करते हैं, हम एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब यूज़ करते हैं। ये ग्लास का है, यहाँ पर सर्कुलर शेप का, इसे यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं। एक इलेक्ट्रोड जिसे हम लोग कह देते हैं हमारे पास कैथोड है जो कि नेगेटिव चार्ज का है, और एक जो है हमारे पास एनोड होता है, एनोड है जो है हमारे पास इलेक्ट्रोड, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा दिया होता है, एक फिल्टर।
ये हमारे पास एक फ़िल्टर है। इस फिल्टर से क्या होता है, इसके बैक से हमारे पास रेडिएशंस आ रही होती हैं और ये जो हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस या फोटॉन्स हैं, ये इस फिल्टर में से पास करने के बाद यहाँ पे ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है ना कैथोड, इसके ऊपर जाके फॉल करती हैं और फॉल करने के साथ क्या कर देती हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करा देती हैं। ये तो बात होगी हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। अब हम बात कर रहे थे कि ये इलेक्ट्रोड और जो इलेक्ट्रोड हैं इस इवेक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर लगे हुए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एमीटर लगा देते हैं और एमीटर के थोड़ा सा आगे हम यहाँ पे एक वोल्ट मीटर भी लगा देते हैं और इस तरीके से इस सर्किट को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब इसे थोड़ा सा आगे हम लोग एक पोटेंशियल डिवाइडर लगा देते हैं और सर्किट को किस तरह कनेक्ट करने के साथ ही यहाँ पर एक बैटरी यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो सर्किट है ये कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे ये हमारा ये इलेक्ट्रॉन जो कि कैथोड की सरफेस से नॉक आउट हुआ है, इस पे है नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज को कैथोड अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करके रख नहीं सकता था क्योंकि उसके ऊपर अपना नेगेटिव चार्ज मौजूद है, तो अब नेगेटिव नेगेटिव की जो है अट्रैक्शन ही बल्कि रिपल्शन हो रही होगी। तो होता क्या है, इस नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव चार्ज वाला कैथोड जो है हमारे पास एनोड है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और जैसे एनोड इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उसकी वजह से इस पूरे के पूरे सर्किट के अंदर यहाँ पर एक करंट फ्लो करना शुरू कर देता है जिसे हम कहते हैं आई पी। ये आई पी बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इसे हम कहते हैं ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है हमारे पास जिसे हम लोग आईपी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब होता ये है कि ये जो है हमारे पास रेडिएशन आती चली जाती हैं कि थोड़े से टकराती हैं और इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करती चली जाती है और करंट जो है वो फ्लो करता चला जा रहा होता है। अब अगर क्या होता है कि मैं इस बैटरी को रिवर्स कर दूँ, अब हमें ये तो पता है कि ये जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, लेकिन अब अगर मैं इसकी बैटरीज को इसके टर्मिनल्स को रिवर्स करके देखना चाहूँ कि अब इस सर्किट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इसकी बैटरीज को ना आपस में रिवर्स कर देते हैं, हम ये इसको रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स करने की वजह से क्या होता है कि अब इसमें जो करंट है ना ये आई पी वो फ्लो करना कम हो जाता है, फ्लो कम करते करते बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाता है। क्यों ज़ीरो होता है, क्योंकि जैसे ही आप इसकी जो बैटरी है उसको रिवर्स करते हैं तो यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाती है जिसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है जिसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो U है ये V नॉट E के इक्वल है, मतलब कि वो वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जिसकी वजह से यहाँ पर करंट का फ्लो होना ज़ीरो हो जाता है और ज़ीरो होने की वजह से करंट डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पर मौजूद वोल्ट मीटर के अंदर जो है वोल्टेज इंड्यूस होना शुरू हो गया, उसको इंडिकेशन मिल गई है और वोल्टेज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि आप कह रहे हैं कि वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है जैसे ही आपका आई पी करंट जो है डिक्रीज होना शुरू हो गया, तो अब ये जो वोल्टेज है ये इलेक्ट्रॉन्स का ही इंक्रीज़ हुआ होगा, इसलिए जो ये वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर दें अगर हम उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ जिनकी वजह से ये वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है, तो ये हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दे देगा उन इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब हमारे पास क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो उस वक्त आएगी जब आप जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं रिवर्स करेंगे। अगर आप बैटरी के टर्मिनल्स रिवर्स नहीं करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी, सर्किट में उस वक्त तक आई पी करंट जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वही फ्लो करता चला जाएगा। अब हमने बात ये की है कि हमने तो रिवर्स कर दिए, अब जब रिवर्स कर दिए तो अब हमारे पास जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। अब बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, अब हम ये करना चाह रहे हैं कि हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ट्रैवल कर रहे होते हैं सर्किट के अंदर, उन इलेक्ट्रॉन्स की अपनी कोई ना कोई तो वेलोसिटी होगी, कोई ना कोई स्पीड होगी जिसके साथ वो इस सर्किट के अंदर जो है वो मूव कर रहे थे, यानी कि बेसिकली उनकी क्या होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। तो क्या होता है कि यहाँ पर जैसे जैसे करंट कम होना शुरू होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम होना शुरू हो रही है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है उसकी वजह से जो करंट पास कर रहा था वो ऐसा ऐसा कम होता होता ज़ीरो पे आ जाता है। तो वो वाली स्टेज जिस पे आई पी करंट जो है, आप लिख लीजिए कि आई पी करंट थोड़ा थोड़ा होता होता ज़ीरो पे हो जाए, उस वक्त आपके इस पूरे के पूरे सर्किट के अंदर क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की होती है ना वो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ जाती है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि यहाँ पर इसे हम कहते हैं कि हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम इस स्टॉपिंग पोटेंशियल लाते ही क्यों हैं, हमें तो आईपी करंट मिल रहा था, हम उसे यूज़ कर सकते थे, लेकिन हम ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इसलिए लाते हैं ताकि हमें उस स्पीड का अंदाज़ा हो सके जिस
स्पीड के साथ ये इलेक्ट्रॉन इस कैथोड की सरफेस से इजेक्ट होते हैं और उनकी वजह से इस पूरे के पूरे सर्किट के अंदर जो है आईपी करंट फ्लो करना शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास एक जो है रिलेशनशिप आ गया कि हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ गई है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो हमें मालूम है कि अगर कोई चीज़ है इलेक्ट्रॉन है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन का अपना एक मैस होता है और वो कुछ ना कुछ स्पीड के साथ ही ट्रैवल कर रहा है। तो जब किसी चीज़ का मैस हो और वो उस मैस के साथ ट्रैवल कर रहा हो, स्पीड हो उसके अंदर, तो हम उसकी एनर्जी को कहते हैं कि भाई इसकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं 1/2 mv² से रिप्रेजेंट करूँगी और जो मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है मैंने कहा है ये वो एनर्जी है जो उसको प्रोड्यूस हुई है जब करंट जो है डिक्रीज होना शुरू हो गया था और वोल्टेज वॉट मीटर के अंदर जो है इंक्रीज होना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे जो है मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया v0t। अब बेसिकली मुझे क्या मालूम करना है, वी तो यहाँ पे रख गया v² और 2 जो है यहाँ जाके अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2v0e और ये m यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। अब अगर मैं स्केयर रूट ले लूँ दोनों तरफ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, V के लिए रिलेशनशिप आ जाएगा। मुझे पता चल जाएगा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन और सर्किट के अंदर मूव कर रहे थे वो इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे थे जो √2v0e/m के इक्वल है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो किस स्पीड के साथ सर्किट के अंदर मूव कर रहे थे। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हमने फिनोमेना देखा है कि किस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं, किस तरीके से ये फिनोमेना ऑकर होता है, अब इसके बाद क्या है, ये तो हमने देख लिया कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो करा लिया, लेकिन इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें क्या फ़ायदा होता है, हमें क्या पता चल रहा है। बेसिकली हमें ये पता चलता है कि ये जो रेडिएशन फॉल कर रही हैं ये रेडिएशन किस इंटेंसिटी के साथ आ रही होती है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट हो रही होती है और रेडिएशन का हमारी सरफेस के साथ, सरफेस के नेचर के साथ और इन एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। सबसे पहली बात हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास रेडिएशन आती हैं ना इसके ऊपर फॉल करती हैं, ये फॉल करने के साथ अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से इजेक्ट नहीं करेंगी तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना नहीं होगा। तो ये जो हमारे पास रेडिएशन आ रही होती है ना, ये रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये फ्रीक्वेंसी हमेशा थ्रस्ट होल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। अब बात आती है कि ये थ्रस्ट होल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। थ्रस्ट होल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जो आपको रिक्वायर्ड होती है किसी भी सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट या नॉक आउट कराने के लिए। तो अगर आपकी आने वाली फ्रीक्वेंसी इस थ्रस्ट होल जो कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है उससे ज़्यादा होगी तभी आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अभी जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी जो आप ऊपर यानी कि आ रही है रेडिएशंस की, एक तो इसकी कंडीशन है कि थ्रस्ट होल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन है कि ये डिपेंड करेगी नेचर के ऊपर, उस मेटल की सरफेस के जिसके ऊपर आप रेडिएशन फॉल करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई सोडियम मेटल पड़ा था या कोई एलुमिनियम है, कोई आयरन है, इस तरह के मेटल पड़े हैं तो आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता है कि जितने जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उसके अंदर से जो है एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब कि मेटल की सरफेस के ऊपर भी डिपेंड करेगा, मेटल का नेचर कैसा है, वो किस किस्म की मेटल है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी। लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है इसी की वजह से तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं और जितनी फ्रीक्वेंसियाँ डलती जाएंगी उतने उतने इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अंदर से एजेक्ट होते जाएंगे, मतलब जितनी ज़्यादा रेडिएशन आएंगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं ना इन रेडिएशन की वजह से, यानी कि जितनी रेडिएशन फॉल की उतने ही ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट होते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये आपकी फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड कर रहा है ना कि वो फ्रीक्वेंसी थ्रस्ट और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से नॉक आउट होंगे। अब फॉर एग्जांपल कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नॉक आउट हो गए, अब यहाँ से मैं कह देती हूँ कि एक दूसरा इलेक्ट्रॉन भी नॉक आउट हो गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन नॉक आउट होते हैं ना इनकी डिफरेंट एनर्जीज होती हैं, ये जो एनर्जीज होती हैं ना इनकी ये डिपेंड करती हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर और डिपेंड करती हैं कि नेचर मेटर की नेचर किसकी है, कैसी है जिसके ऊपर जो है फ्रीक्वेंसी फॉल कर रही है, लेकिन ये डिपेंड नहीं करेंगी कि ये कितनी इंटेंसिटी के साथ जो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आई है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि एनर्जी जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये जो है इनडिपेंडेंट है इंटेंसिटी पे,
ये डिपेंड ज़रूर करती है, लेकिन डिपेंड दो चीज़ों पे करेगी, एक फ्रीक्वेंसी पे और दूसरी नेचर ऑफ द मैटर पे। लेकिन तीसरी चीज़ जिस पे ये इंडिपेंडेंट है वो होती है उसकी जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इंडिपेंड होंगी इसकी इंटेंसिटी पे, यानी कि उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा कि जोर से आ रही है या आहिस्ता आ रही है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितनी शिद्दत के साथ ये जो है रेडिएशन फॉल कर रही है, इससे आपके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है एमिट हुए हैं डिपेंड नहीं करती। हाँ, एक चीज़ पे इलेक्ट्रॉन ज़रूर इंटेंसिटी के साथ एमिट कर जाते हैं, वो उस सूरत में कि आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, आया कि आप कह सकते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी आई है, इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि उस वक्त जितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं वो हो सकता है 4 हो गए हों, 5 हो गए हों। तो जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी के ऊपर, लेकिन एनर्जी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिपेंड कभी नहीं करेगी इंटेंसिटी के ऊपर। अब जो है ये हम लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग बताया, क्योंकि क्लासिकल जो थ्योरी थी वो इसे एक्सप्लेन नहीं करती थी। उसका ड्रॉबैक ये था कि क्लासिकल थ्योरी ने ये कहा कि हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट होते हैं ना, उन इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो हमारे इंटेंसिटी के साथ रिलेट होनी चाहिए। मतलब कि जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होनी चाहिए, ज़्यादा इंटेंसिटी आएगी तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन जैसे कि हमने इस एक्सपेरिमेंट में देखा कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है, वो काइनेटिक एनर्जी जो इन इलेक्ट्रॉन्स की है, ये कभी भी डिपेंड नहीं करेगी कि कितनी इंटेंसिटी के साथ ये रेडिएशंस इस सरफेस के ऊपर जो है वो फॉल कर रही हैं। ये काइनेटिक एनर्जी जस्ट डिपेंड करेगी कि नेचर क्या है इस मेटल का जिसके ऊपर रेडिएशन फॉल कर रही है, और रेडिएशन जो है वो किस तरीके से फॉल कर रही है उस पर डिपेंड करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स हैं, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स के नंबर निकल रहे हैं, कितनी तादाद में वो निकल रहे हैं, वो ज़रूर डिपेंड करेंगे इसकी इंटेंसिटी के ऊपर। अब इसके बाद एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि एक होती है वर्क फंक्शन। अब जैसे कि हमें मालूम है कि ये मेरे पास एक मेटल की सरफेस है, अब इस मेटल की सरफेस के ऊपर आकर ये रेडिएशन फॉल करेंगी और यहाँ से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से इजेक्ट करा देंगी। अब ये जो रेडिएशन आ रही हैं, इन रेडिएशन की कुछ ना कुछ एनर्जी है। हमें मालूम है कि हमारे पास फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स की कुछ ना कुछ तो एनर्जी होती है ना। ये एनर्जी जब इस फोटोन के इस सरफेस के ऊपर पड़ेगी तो कुछ एनर्जी जो है इन इस मेटल की सरफेस, ये जो हमारे पास मेटल की सरफेस है, इस मेटल की सरफेस के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की आपस में जो बॉन्डिंग होगी, जो उनका बॉन्ड बना होगा, जाहिरन की कोई ना कोई प्लेस होगी जहाँ पर वे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उनको आपस में जो है उनकी बॉन्डिंग को ख़त्म करने के लिए, उनकी आपस में जो एक जगह फिक्स है एक दूसरे के साथ के, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरीके से जो तरतीब होती है उनको ब्रेकआउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी। तो ये जो एनर्जी आ रही होती है फोटॉन्स की, ये जो ब्रेकआउट करती है, बेसिकली तो इनमें कोई अट्रैक्शन नहीं होती क्योंकि ये सिमिलर चार्जेस हैं, लेकिन फिर भी इनको इस सरफेस से ब्रेकआउट कराने के लिए, बाउंड इनका ब्रेक करने के लिए, इनकी आपस में जो इनकी जो स्पेस थी उस जगह से इनको हिलाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है ना। इसलिए उस एनर्जी को हमने यहाँ पे कह दिया कि इनका आपस में ब्रेकआउट कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को हम लोग कह देते हैं कि ये हमारे पास वर्क फंक्शन है, जिसे हम लोग जो है फाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जो कुछ एनर्जी बचती है वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से मूव कराने के लिए काइनेटिक एनर्जी के तौर पर यूज़ हो जाती है। तो बेसिकली जो टोटल एनर्जी होती है फोटॉन्स की, वो एनर्जी यूज़ हो जाती है दो चीज़ों के एनर्जी में, एक तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स के ब्रेकआउट में यूज़ होती है जिसे हम वर्क फंक्शन कह देते हैं, इसे हम लोग जो है फाई नोड से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी एनर्जी वो है जो काइनेटिक एनर्जी में यूटिलाइज होती है जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट हो जाती हैं। अब हमें मालूम है कि जो काइनेटिक एनर्जी है इसे तो मैं बेसिकली लिख सकती हूँ 1/2 mv², लेकिन ये जो वर्क फंक्शन है, ये वर्क फंक्शन बराबर होता है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट और उस फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट के, जो फ्रीक्वेंसी इस मेटल की सरफेस के ऊपर फॉल करती है और इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से एजेक्ट कराती है। तो यहाँ पे मैं जो है फाई नोड की जगह एफ इंटू, यहाँ पे एच की जगह पे मुझे ना नोड लिख देना चाहिए, नहीं बल्कि एफ की जगह मुझे नोड लिखना चाहिए, तो यहाँ पे एच एफ नोड आ जाता है। और जो फोटॉन्स की एनर्जी है उसे मुझे मालूम है कि मैं एच इंटू एफ लिख सकती हूँ। अब ब्लैक बॉडी के अंदर जब हम लोगों ने फोटॉन्स को डिस्कस किया था, तब हमने एक बात कही थी कि जो एनर्जी है उसे हम लोग एच इंटू एफ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी चूँकि हमें मालूम है कि वो लैम्डा बाई सी के फॉर्म में लिखी जा सकती है, सी बाई लैम्डा के फॉर्म में, सॉरी अब यहाँ सबसे गलती होगी, सी बाई लैम्डा के फॉर्म में, तो मैं जो फ्रीक्वेंसी है उसे सी बाई लैम्डा के फॉर्म में जब लिख सकती हूँ तो मैं एच इंटू सी बाई लैम्डा यहाँ पर भी लिख सकती हूँ, और एच इंटू सी डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट यहाँ पर भी लिख सकती हूँ। बाकी जो हमारे पास फॉर्मूला है वो तो एज इट इज ही रह जाएगा। इस तरीके से अगर आप काइनेटिक एनर्जी को सेपरेट कर लें, तो काइनेटिक एनर्जी अगर यहाँ रहने दूँ तो मेरे पास यहाँ पे एच सी लैम्डा माइनस एच सी लैम्डा नॉट आ जाएगा। तो अगर मैं इसके बाद आगे जाऊँ तो आगे जाके मैं इसको यूँ कर सकती हूँ कि मैं अगर एच सी कॉमन ले लूँ
तो यहाँ 1/λ − 1/λ नोड आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास जो है बाहर 1/2 mv mv² के इक्वल आ जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इस तरीके से जो फोटॉन्स की एनर्जी थी, फोटॉन्स की एनर्जी और जो हमारे पास वर्क फंक्शन था उसका सब फंक्शन के इक्वल आ जाती है। तो इस तरीके से भी हम जो वर्क फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब ये तो हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हमारे पास जो है रेडिएशंस आती हैं, इलेक्ट्रॉन को इमिट कराती हैं और आईपी करंट इंड्यूस करती है। इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस में ये ज़्यादा हम इसे यूज़ करते हैं। इसे हम बहुत सी सिक्योरिटी सिस्टम्स में यूज़ करते हैं, फोटोसेल्स के अंदर यूज़ करते हैं। फोटोसेल में हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, ग्लास ट्यूब होती है। ये ग्लास ट्यूब है जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और ये यहाँ से जो है वायर्स के थ्रू गैल्वेनोमीटर से अटैच होती है, और गैल्वेनोमीटर के आगे यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास बैटरी लगी होती है और ये दोबारा वायर से इस तरीके से कनेक्शन इसका कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे ही आप कोई रेडिएशन है, फॉर एग्जांपल ये रेडिएशन कैथोड के ऊपर फॉल कराते हैं, तो ये चूँकि कैथोड है तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को ये जो आपके पास एनोड है ये अपनी तरफ अट्रैक्शन करा इस पूरे के पूरे सर्किट के अंदर से क्या कराता है कि आईपी करंट फ्लो करा देता है। अब जैसे ही आईपी करंट इस गैल्वेनोमीटर के अंदर से गुजरता है तो यहाँ पे एक इंडिकेशन मिल जाती है कि इसके अंदर से करंट गुजरा है, और थ्रू आउट द प्रोसेस इस तरीके से ये जो करंट है ये गुजरता चला जाता है और आपके पास जो है फोटोसेल्स क्रिएट हो जाते हैं। ये फोटोसेल्स जो है ना, बेसिकली इसके अंदर इलेक्ट्रोड इस तरीके से लगे होते हैं कि यहाँ से रेडिएशन आती है और ये यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा इस तरीके से ना बहुत ज़्यादा बनी हुई प्लेट्स लगी होती हैं। आप इसे कह सकते हैं कि आपके पास जो है ये जो है फोटो मल्टीप्लायर्स लगे होते हैं। इसमें क्या होता है कि रेडिएशन यहाँ फॉल की है ना, अब ये दो रेडिएशन यहाँ चले जाएंगे, ये तीन बन के यहाँ आ जाएंगे, चार बन के यहाँ चले जाएंगे, और ये पाँच यहाँ, फिर छः इस तरीके से, सात इस तरीके से। तो आपको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट मिल जाता है, बहुत ज़्यादा आईपी करंट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा जो है फोटो मल्टीप्लायर्स यूज़ किए हुए हैं। तो बेसिकली इस सेल के अंदर तो हमें दो नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये दो नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा फोटो मल्टीप्लायर्स इस सेल के अंदर यूज़ किए होते हैं। और इसके अलावा हम सिक्योरिटी सिस्टम्स में भी यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम्स में है या आप कह सकते हैं अलार्म सिस्टम में यूज़ करते हैं, टीवी वगैरह में, या आपके पास जो है ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह में भी आप यूज़ कर लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। अब फॉर एग्जाम्पल स्टोर के अंदर एक डोर है, अब क्या होता है यहाँ पे अलार्म सेट किया होता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल का ना एक फिनोमेना यहाँ पे यूज़ किया होता है, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक सेल रखा होता है और यहाँ पे क्या होता है कि एक सिस्टम पड़ा होता है। अब जैसे ही कोई बंदा इसके अंदर आता है, इस डोर के अंदर से पास होता है, तो यहाँ पे जो है अलार्म बोलता है, आपको डिटेक्शन मिल जाती है कि भाई जो बंदा अंदर गया है वो सेफ है, उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपको जो है डैमेज या नुकसान पहुँच सकता है। अब जैसे ही एक और जगह पे भी इसको यूज़ किया जाता है, बाज़ अवकात आपने देखा होगा कि आपके पास जो है इस तरह के ऑफिसेज होते हैं जहाँ पे आप जाके खड़े होते हैं तो डोर अपने आप खुल जाता है, आप अंदर जाते हैं तो डोर बंद हो जाता है, वहाँ पर भी आप क्या करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल का जो है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो है फिनोमेना यूज़ करते हैं। डिफरेंट तरह के फोटो सेल्स को आप बहुत सी जगह पर यूज़ करते हैं, इस तरह सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना आप यूज़ करते हैं।